गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक हसनपुर में स्थित चकोरी गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान सुशीला देवी हैं। लगभग 2000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 110 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 315 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत सुशीला पति प्रधान पति और खंड विकास हसनपुर जिला अमरोहा का और तहसील हसनपुर गांव चकोरी। मैं अपने गांव में कुछ कमी है, जैसे नाले के पानी का व्यवस्था नहीं है और सड़क बहुत टूटी फूटी पड़ी हैं और एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक दूसरे जो ग्राम पंचायत है वहाँ से मतलब सहरा कच्चा ही है, जो गांव दूसरा पड़ता है वहाँ तक मेरा गांव कच्चा है और एक आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है स्कूल में और एक पंचायत घर बनवाने की ज़रूरत है और थोड़ा जो है गांव से दूसरा क्षेत्र पड़ता है बावनखड़ी, वहाँ तक भी गांव से और वहाँ तक कच्चा ही है 4-5 किलोमीटर।